आज बात करेंगे कि तरतीब क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है और तरतीब का हमारे जीवन में क्या महत्व है। हाउ इम्पॉर्टेंट इज द ऑर्डर इन आवर लाइफ। तरतीब का मतलब होता है पैटर्न, लयबद्धता और ऑर्डर। हम देखते हैं कि अस्तित्व में हर चीज का एक नेचुरल ऑर्डर है, हर चीज का एक नेचुरल ऑर्डर है। फूल की पत्तियों को देख लो, बड़े ऑर्डर से अरेंज की हुई हैं। पत्तों को देख लो, उनके जो ऑर्डर हैं, जो जैसे उनका डिज़ाइन है पत्तों का, वो लगता है कि बड़ी ही तरतीब से उसको बनाया गया है। एक फूल के पत्तियों का दूसरे फूलों से जो पैटर्न है वो भीतर से बिल्कुल ही भिन्न है, बिल्कुल अलग है। बॉटनी में जब हम पढ़ा करते थे, पौधों का जो विज्ञान है बॉटनी, तो पौधों को हम क्लासिफाई करते थे उनका अरेंजमेंट देखकर कि पत्तियों का पैटर्न कैसा है, फूलों का पैटर्न कैसा है, तरतीब कैसी है। हर चीज अस्तित्व में तरतीब से है। एवरीथिंग इज इन ऑर्डर इन दिस एग्जिस्टेंस। और ऐसे ही हमारे भीतर भी एक तरतीब चलती है, एक म्यूजिक, एक लयबद्धता, एक सिंक्रोनिसिटी चलती है। वो अगर तरतीब भीतर की अगर किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, उसमें अगर गड़बड़ आ जाए, तो हमारे जो कार्य हैं रोज के, जो शरीर करता है, उनमें फ़र्क पड़ जाएगा। हमारा मन बेचैन हो जाएगा क्योंकि जो भीतर की लयबद्धता है वो ख़राब हो गई है। म्यूज़िक हम सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, अच्छा लगता है, क्या कारण है? उसका कारण है कि म्यूज़िक एक हमको लयबद्धता देता है, एक लगातार पैटर्न देता है, एक जैसा संगीत, तो वो पैटर्न जो है हमें टच करता है, हमें छू कर जाता है भीतर से भी और बाहर से भी। तो उससे क्या होता है कि जो भीतर की तरतीब है, एक पैटर्न है भीतर का, विचारों का, हमारी बीइंग का, उससे संगीत से उसमें लयबद्धता आ जाती है, तो आप अच्छा महसूस करते हैं। लयबद्धता पैटर्न जिसको हम कहते हैं, तरतीब जिसको कहते हैं, ये एक ध्यान की विधि बन सकती है। अगर आपके स्वभाव में, अगर आपकी नेचर में तरतीब है, आप चीज़ों को देखते हैं तरतीब से और उनको रखते हैं तरतीब से, तो इसके परिणाम अच्छे होते हैं, क्योंकि आप प्राकृतिक तौर पर ध्यान कर रहे हैं, नेचुरल वे से आपकी मेडिटेशन हो रही है। चीज़ें अगर डिसऑर्डर्ड हैं, तरतीब से नहीं हैं, तो उनको आप उठाओ,
प्रेम से और उनको साफ करके अच्छी तरह जेंटली उनको पकड़कर तरतीब से रखना शुरू कर दो। जब आप चीज़ों को तरतीब से रखोगे तो धीरे धीरे जो आपके भीतर के ब्लॉक्स हैं, पैटर्न है, वो भी तरतीब में आना शुरू हो जाएगा। तो आप पाओगे कि उस जगह की, उस कमरे की जहां आप बैठे हैं और चीज़ों को तरतीब से रख रहे हैं, उसकी ऊर्जा का ही फर्क पड़ गया। तो ऐसे ही अगर हम एक कमरे में बैठकर प्रेम से चीज़ों को उठाएं, साफ करें और फिर उनको तरतीब से रख दें, तो सारी जो कमरे की व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, वो अगर तरतीब में आ जाए तो पूरे कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी और वो ऊर्जा आपको टच करेगी, तो आप पाओगे कि आप कंफर्टेबल हैं। अगर एक कमरे में आप पाओ कि चीज़ें बेतरतीब से हैं, कपड़े इधर उधर पड़े हैं, फर्नीचर सीधा नहीं रखा है, आपकी चप्पलें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, आपके बिस्तर की जो चादर है वो अच्छी तरह नहीं बिछी हुई है, तो आप पाओगे कि आपका मन वहाँ बैठने को या लेटने को नहीं करेगा। अब अगर आपका जो बेड है वो साफ़ सुथरा है, उसकी जो चादर है वो अच्छे तरह से बिछी हुई है, तो आपका मन करेगा कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ, मैं वहाँ लेट जाऊँ। वो तरतीब आपको टच कर गई। जब चीज़ें तरतीब से होती हैं तो भीतर एक शांति मिलती है, भीतर एक आनंद मिलता है। आप देखते हैं कि स्त्रियां जो कपड़े पहनती हैं तो वो ख्याल रखती हैं कि उनका डिज़ाइन उनको पसंद आए, उनके रंग उनको पसंद आए, उनके कपड़ों के जो पैटर्न है वो उनको पसंद आए। अच्छी बात है ये। जो कपड़ों का डिज़ाइन होता है, जो पैटर्न होता है, जो उस पर जो मीनाकारी की हुई होती है, वो आपको अच्छी लगती है। इसका मतलब है कि आपके भीतर भी एक तरतीब है। अगर भीतर की तरतीब बाहर की तरतीब से मैच कर जाती है तो आप पाते हैं कि आप खुश हो गए। स्त्रियों को अगर अपनी पसंद के कपड़े मिल जाते हैं, अपनी पसंद का फर्नीचर मिल जाता है और किचन में, रसोई घर में स्त्रियों को अगर जो उनको बर्तन अच्छे लगते हैं वो उनको अगर मिल जाते हैं तो वो खुश रहती हैं। तो स्त्रियों को तरतीब का पुरुषों से ज़्यादा पता होता है, तो इसीलिए स्त्रियों को अलग से ध्यान करने की ज़रूरत कम पड़ती है, ध्यान पुरुषों को करना पड़ता है, क्योंकि पुरुष जो है वो उसको तरतीब नहीं आती, उनको सिंक्रोनिसिटी नहीं आती, वो नेचुरल ऑर्डर में रहना नहीं जानते, ऑर्डर का उन्हें पता नहीं है। क्योंकि पुरुष ऑर्डर देता है और इसीलिए वो भीतर के ऑर्डर को कभी पहचान नहीं पाता। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप
बड़े सिंपल तरीके से ध्यान करना चाहते हैं, सिंपल टेक्निक जो है आप सीखना चाहते हैं ध्यान की, तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। शांति से, आनंद से उठो, चीज़ों को उठाओ जो आपके पास पड़ी हैं, कमरे में पड़ी हैं, साफ करो प्रेम से और उनको तरतीब से ज्योमेट्रिकली जहाँ जिस चीज़ की जगह है वहाँ रखना शुरू कर दो। कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, आप चुप हैं, शांत हैं और चीज़ों को टिका रहे हैं। अगर हो सके तो जब आप काम करते हैं, चीज़ों को तरतीब से रखते हैं, तो अगर कोई हल्का म्यूज़िक जो आपको पसंद है वो धीरे धीरे आप साथ उसको लगा लें, तो आप पाओगे कि वो आपका पूरे का पूरा ध्यान बन गया। तो चीज़ों को रखना ऑर्डर से, तरतीब से एक ध्यान बन सकता है। ये आप कभी भी किसी समय भी कर सकते हैं, तो आप पाओगे कि एक तो वो चीज़ें दूसरों को अट्रैक्ट करेंगी, अच्छी लगेंगी, एक आपके भीतर की ऊर्जा को वो टच करेगी जब चीज़ पैटर्न जो बाहर का ऑर्डर है, जो तरतीब है, तो उससे आपको आनंद आएगा और आप शांति से भर जाएंगे। ये एक ध्यान की टेक्निक बन सकती है, आप इसको आजमा कर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।